हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। काफ़ी सारे शो ऐसे होते हैं कि जिसमें से मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स एग्ज़िट हो जाते हैं और नए प्रोजेक्ट पे निकल जाते हैं। ऐसे में जो शो की जोड़ी होती है वो काफ़ी यादगार होती है। फैंस डिमांड करते हैं कि ये जोड़ी फिर से लौट आए, टीवी शो पे लौट आए। मोस्टली सभी फैंस की एक डिमांड होती है कि इनका प्रोजेक्ट फिर से एक टीवी शो पर नज़र आना चाहिए, ये जोड़ी हमें फिर से देखने का मन है। तो ऐसे में मैं बात कर रही हूँ गुल खान के शो की इमली की, जिसमें जनरेशन लीप का शूटिंग हो रही है। प्रोमो लगभग तैयार हो गया है, काफ़ी कास्ट के चेहरे सामने आ गए, जहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि आपके जो हैं फहमान खान और आपकी सुम्बुल यानी कि उफ इमली और आर्यन अब जो है अलग अलग रास्ते पर निकल चुके हैं। क्योंकि भाई जनरेशन लीप आ चुका है, पुरानी कास्ट को टाटा बाय कर दिया है। सुबह ही जो है सेलिब्रेशन करने के बाद जो है सेट से सभी स्टार अपना सामान लेकर चलने की तैयारी पर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में ना तो कोई स्क्रिप्ट है, ना ही अभी एट दिस टाइम जो है गुल खान जो है उन्हें कोई हायर कर रही है। तो ऐसे में जो है सब अपने अपने रास्ते पर निकल रहे हैं, जहाँ पे जो उम्मीद थी कि जो है अचानक से हमें एक इनका नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, तो फैंस का तो दिल जो है टूट गया है। क्योंकि भैया फहमान खान ने जो है बिग बॉस का रास्ता अपना लिया है और प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो जो है फहमान खान तो आपको जो है यानी कि आपके आर्यन जो है बिग बॉस के घर में नज़र आएंगे। बात करते हैं इमली। इमली ने भी अपने प्रोजेक्ट की फैंस को कोई ना तो खबर दी है और अभी न्यूज़ भी नहीं आई है कि जो है आपकी सुम्बुल को कोई प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन अब ये तय हो चुका है, दोनों ही अपने रास्ते पे अलग अलग निकल चुके हैं। आर्यन और इमली अब कौन से सफर पे एक साथ टकराएंगे, बहुत चांसेस कम है। अब तो भैया ये जोड़ी जो है यादों में ही रह जाएगी, मे भी इन फ्यूचर में इनकी म्यूजिक वीडियो देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें किसी नए शो में इन दोनों को हायर किया है, ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं है। इसलिए इमली और आर्यन का सफर हुआ खत्म। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक और सब्सक्राइब दोनों बनता हूँ।